हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे सभी प्रिय आप दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज के इस कार्यक्रम में जो आपके साथ हमारी बात होने वाली है वो लव मासिक राशिफल दिसंबर 2021 के विषय में होने वाली है। ये जो लव राशिफल है, मासिक लव राशिफल जिसको मंथली लव राशिफल भी कहा जा सकता है, वर्ष 2021 जो चल रहा है उसका, और हम मेष से लेकर के और मीन तक सभी लग्न राशियों के विषय में आपको जानकारी अलग अलग देंगे। लेकिन अभी फिलहाल इस कार्यक्रम में जो आपके साथ हम बात करेंगे वो तुला लगन राशि के जो जातक हैं उनके लव राशि फल के विषय में बात करेंगे, माह दिसंबर 2021 के विषय में। और इस चर्चा को आरंभ करने से पहले आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो लव राशि फल है, मासिक राशि फल, ये चंद्र राशि पर आधारित नहीं है, ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर ही आधारित है। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं। चर्चा आरंभ करने के साथ साथ आपको ये भी पहले बताना चाहेंगे कि हम जो बात करेंगे सबसे पहले करेंगे उन लोगों के विषय में जो पूर्ण रूप से सिंगल हैं तुला लगन के जातक, जिनका अभी तक कोई ना मित्र है, ना साथी है, ना फ्रेंड है, ना कोई लव मेट है। तो क्या इस माह दिसंबर में इस बात की संभावना बनती है कि भाई आपका कोई साथी आपके जीवन में आए और उसके साथ बात कुछ आगे चले। और बात करेंगे लव मैरिज के विषय में, बात करेंगे अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो उसको लेकर के हालात कैसे रहने वाले हैं, क्या ये बात विवाह तक जा सकती है या सिर्फ लव रिलेशनशिप तक ही रहेगी, या इसमें भी कोई दुविधा परेशानी कोई पैदा हो सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के विषय में बात करेंगे और बात करेंगे उन जातकों के विषय में कि जिनका पहले से कोई लव अफेयर्स चल रहा था, वो लोग रिलेशनशिप में थे लेकिन किसी ना किसी कारणवश वो लोग सेपरेट हो गए या उनका ब्रेकअप हो गया, तो क्या अब इस माह दिसंबर 2021 में वो दोबारा एक साथ आ सकते हैं। और अंत में चर्चा करेंगे जो विवाहित महिला पुरुष हैं कि ये तुला लगन के जो जातक हैं महिला या पुरुष, उनका वैवाहिक जीवन इस माह दिसंबर में कैसा रहने वाला है। तो इन सब चीज़ों पर हमारी चर्चा होगी एक एक पॉइंट पे अलग अलग। और सबसे पहले हम लेते हैं जो लोग सिंगल हैं उनके विषय में बात की जाएगी। तो देखिए, मैं आपको ये चर्चा जो मैं कर रहा हूँ बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी मैं नहीं करूँगा आपके साथ, मैं सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट में बात करूँगा आपके साथ। और वो ये कि जो सिंगल जातक हैं उनके मन में, दिल में, दिमाग में इस माह इस बात के ख्यालात आएंगे, विचार आएंगे कि हमारा भी कोई जीवन साथी बने, हमारे जीवन में भी कोई हमारा साथी आए, हमारा मित्र बने और हम उसके साथ आगे की जीवन की जो चीज़ें हैं वो उसके साथ बढ़ा सकें। इस बात की तो बहुत प्रबल संभावना है कि इस प्रकार के विचार आपके दिल में आएंगे। और आप इतना ही नहीं, विचारों के साथ साथ आप उस पर आगे एक्शन भी लेंगे, यानी कि आप हो सकता है कि किसी को पसंद कर लें, आपको कोई साथी मन ही मन आपकी आंखों में उतर जाए, आप उसको अच्छी तरह से पसंद के साथ साथ आपकी उसके साथ कुछ बातें भी शुरू हो जाएं, बातचीत भी शुरू हो जाए, मिलना मिलाना शुरू हो जाए, इस बात की भी अधिक संभावना है। लेकिन आपको हम यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि ये जो आपका मेल मुलाकात जो चलेगा, अब अगर आप इसको बहुत ही जल्दी कुछ अमली जामा पहनाना चाहते हैं, कुछ जल्दी यानी कि जल्दी ही आप मित्रता के साथ साथ आप उनको चाहते हैं कि भाई वो आपके जीवन साथी बन जाएं, परमानेंट पार्टनर बन जाएं, लाइफ पार्टनर, तो देखिए उसमें बनने की तो उसकी भी संभावना है लेकिन उसमें कुछ परेशानियां अधिक हैं।
और ये जो संभावना मैं कह रहा हूं कि है बनने की, ये भी माह के मध्य तक ही है। लेकिन माह के मध्य तक भी इतनी चीजें आसान है नहीं। तो यहां पर मैं यही कहूंगा कि चीजों मतलब संभावना बनते हुए भी उसमें काफी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं। तो इसलिए यहां पर जो बात है वो सिर्फ सिलसिला इस माह शुरू आपका आरंभ हो सकता है, बस इसी बात की प्रबल संभावना बन रही है। और अब बात करेंगे लव मैरिज या लव जिनके जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, जो जातक पहले से ही रिलेशनशिप उनकी चलती आ रही है, तो क्या इस माह दिसंबर 2021 में ये रिलेशनशिप और मजबूत होगी या इस पर कोई एक तरीके से कह सकते हैं कि कोई गाज तो नहीं गिर जाएगी, किसी की नज़र तो नहीं लग जाएगी आपकी रिलेशनशिप को, आपके संबंधों को, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं सेपरेशन हो। तो आइए बात करते हैं इसके विषय में भी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं प्रिय साथियों कि ये जो रिलेशनशिप है आपकी जो चलती आ रही है, मैं आपको इतना बता दूं कि दो ये इस दिसंबर माह के मध्य तक ये रिलेशनशिप आपकी ओर से बहुत अच्छी रहेगी, अपनी ओर से कोई कमी नहीं रहेगी, उनकी ओर से भी जो आपके साथी हैं उनकी ओर से भी कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन यहां पर कुछ बाहरी कुछ परेशानियां बाहर से, यानी कि कोई तीसरा व्यक्ति, कोई चौथा व्यक्ति या अन्य लोग, वो कोई भी हो सकते हैं, आपके अपने परिवार के हो सकते हैं, उनके परिवार के हो सकते हैं, आपके मित्रगण हो सकते हैं, वो इस बात की कोशिश करेंगे या करेगा जो भी व्यक्ति होगा कि आपके इन संबंधों में एक तरीके से दरार पैदा किया जाए। तो आपको इन चीजों से सतर्क रहना है यहां पर इस माह। हालांकि जैसा मैं कह रहा हूं कि देखिए, अगर आप सतर्क रहे और आपका जो साथी है, जो मित्र है, वो भी सतर्क रहता है इन सब बातों से, आप पहले ही इन चीजों को लेकर के, जैसा कि हम आपको गाइड कर रहे हैं कि भाई अगर कोई भी चीज आएगी और अपनी आपसी इंटीमेसी भी, उसको भी आपने बहुत मतलब उस पर भी तवज्जो देनी है, ध्यान देना है कि कहीं आपके कारण भी कोई ऐसा बात आपके मुंह से ना निकल जाए या उनके मुंह से ना निकल जाए कि जिसको लेकर के आप थोड़ा ज्यादा परेशान हो जाए, दूरी बढ़ने लगे आपस में। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है आपने। और अगर आपने इन सब बातों का ध्यान रख लिया और आप अच्छी तरह सतर्क रहे, तो सारी परेशानियों के बावजूद अगर आप चाहेंगे, अगर वाकई आप गंभीरता से ले रहे हैं इस सब मतलब इशू को कि भाई आप विवाह में बंधना चाहते हैं, विवाह के बंधन में, तो माह के मध्य तक ये योग बना हुआ है। लेकिन ये योग तो बना हुआ है, लेकिन ये योग, मैंने जैसा कहा कि कुछ परेशानियां हैं, इतना आसान नहीं है कि आपने कहा, उन्होंने सुन लिया और दोनों एग्री हो गए, परिवार के सदस्यों के साथ पास गए, उन्होंने भी ओके कर दिया और सब काम बनते चले गए। वो स्थिति ग्रहों की नहीं है इस माह। मैंने कहा महामध्य तक योग बना हुआ है, अगर आप चाहेंगे तो विवाह करने का, लेकिन परेशानियां कदम कदम पे आपको फेस करनी पड़ेंगी। अगर आप उनसे उनको फेस कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं, तो आप माह के मध्य तक बहुत अच्छा योग है, आप विवाह में बन सकते हैं। तीसरा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के विषय में भी आपको बताना चाहेंगे कि आपके जो एक्स्ट्रा मैरिटल अगर चल रहे हैं पहले से ही, तो उसके कारण आपके जो अपना वैवाहिक जीवन है वो डिस्टर्ब हो सकता है। कोई ना कोई ऐसी बात कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से आपके पार्टनर, जो लाइफ पार्टनर है, उनको पता लगे कि ऐसा ऐसा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो तनावपूर्ण वातावरण है वो आपके साथ बन सकता है। आपको इस मामले में थोड़ा सावधान रहना होगा, सचेत रहना होगा। और साथ ही अगर आपकी रिलेशनशिप है भी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आपके चल रहे हैं, तो आपको बहुत ही ऑनेस्टली अब इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तभी कुछ बात बन सकती है। अगर आपके मन में, दिमाग में कुछ दूसरी चीज़ें चल रही हैं कि बस मैं तो थोड़ा सा अपना इसको यूज़ करूँगा, इस साथी को, और उसके बाद फिर छोड़ो, क्या रखा है, तो उन चीज़ों को अगर आप दिमाग में लेकर के चलते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत ही हानिकारक चीज़ हो जाएगी और उससे आपका वैवाहिक जीवन भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो बैलेंस करने की बहुत आवश्यकता है इस माह, अगर आपके हैं रिलेशन, और अगर आपके नहीं हैं और आप कहीं कुछ करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं इस प्रकार के रिलेशनशिप को, तो उसमें भी समस्याएं हैं,
आसानी से नहीं होगा, तकलीफ मतलब दिक्कतें परेशानियां हैं, एकदम नहीं हो पाएगा ये सब चीज़ें, टाइम लगेगा। अभी ये माह के जो इस दिसंबर माह 2021 के जो ग्रह हैं वो इतनी आसानी से आपको ये सब चीज़ें करने नहीं देंगे। अब आगे बात करते हैं हम कि जो पहले से रिलेशनशिप में जिनकी चलती आ रही थी ऑलरेडी, और किसी ना किसी बात को लेकर के पहले ही उनका कुछ सेपरेशन हो गया, ब्रेकअप हो गया, तो क्या इस महीने संभावना बन रही है? तो मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय साथियों, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल, कि इस माह दिसंबर में आप इस प्रकार की उम्मीद ना रखें। अगर आप कोई प्रयास करेंगे भी ना कि भाई चलिए हो दोबारा उसको एक तरीके से रिव्यू करने की, या कि भाई चलिए दोबारा से पैचअप हो जाएगा, चीज़ें सुधर जाएंगी, तो ये माह जो है इन ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि होता दिखाई नहीं देता, आप सक्सेस सफलता नहीं मिल पाएगी आपको, आप हो या आपका साथी हो। तो अभी अगर वो सेपरेशन हुआ है या ब्रेकअप हुआ है तो इसमें कोई प्रोग्रेस अभी किसी प्रकार की होती दिखाई नहीं पड़ रही है माह दिसंबर में। आगे बात करते हैं कि जो विवाहित व्यक्ति हैं उनका वैवाहिक जीवन इस दिसंबर माह में कैसा रहने वाला है। तो देखिए प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस माह दिसंबर में जो विवाहित व्यक्ति हैं उनके जो वैवाहिक संबंध हैं उनको लेकर के आपस में एक तनाव रहेगा, वैवाहिक सुखों में कमी है, पूर्ण रूप से कमी है, और छोटी छोटी बातों को लेकर के भी आपस में कहा सुनी और इस प्रकार का कलेश, गृह कलेश, इस प्रकार की स्थिति बनती दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ पर हम आपको यही कहेंगे। और एक और सबसे मुख्य बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन साथी के साथ कुछ कड़े वचन वाक्य, कुछ कटु शब्द भी अधिक बोलेंगे और उसी के कुछ ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, और ऐसी बातें ही आपके साथी को चुभ सकती हैं और चुभेंगी जब आप इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, अगर आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप बिल्कुल सही चले, सामान्य रूप से रहे, उसमें किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो, तो आपको सबसे पहले तो अपनी वाणी पर संयम रखना है, अपने जीवन साथी को कटु शब्द ना बोलें, उनका इस्तेमाल ना करें, प्रयोग ना करें, तो जाकर के ये हालांकि संबंध तो। और मैं आपको एक बात और कह दूं, जो विवाहित लोग हैं और उनकी बात डिवोर्स वगैरह तक पहुंच गई है, सेपरेट हैं, इकट्ठा नहीं रहते हैं, तो उनके भी या पहले से ही कुछ तलखी चलती आ रही है, तो ये और ज़्यादा विवाद बढ़ने की संभावना दिखाई पड़ रही है इस माह, बजाय बात को संभलने के बिगड़ने के चांसेस अधिक हैं। तो ये था आप तुला लगन के जो जातक हैं उनके विषय में ये सारी हमने जो चर्चा की। अब हम आपको बता दें कि वो तीन लगन राशि कि अगर उन लगन राशि में से किसी एक लगन राशि का भी आपका साथी है, मित्र है या जीवन साथी है, तो मान के चलिए कि चीज़ें बहुत हद तक बेहतरीन तरीके से चलेंगी। और वो कौन सा है? एक तो स्वयं तुला लगन ही है, अगर तुला लगन का जातक है तो आपके जीवन में बहुत अच्छा रहेगा, और एक कुंभ लगन और एक मिथुन लगन। ये तीन लगन हमने बताए, इनमें से किसी भी एक लगन का व्यक्ति आपके जीवन में है, आपका मित्र है, तो समझिएगा कि ये रिलेशनशिप अभी कंटिन्यू चलने वाली है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था मेरे मित्रों तुला लगन के जो जातक हैं उनका मासिक लव राशिफल दिसंबर 2021 का। आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें, और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और ये जो आप बेल आइकन देख रहे हैं, अगर आप इसको भी दबाते हैं तो आने वाले समय में जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वे भी आप तक समय अनुसार आसानी से पहुंच सकते हैं, और आप उनको भी उनका भी आप लाभ ले सकते हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।